राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रौर में मेकशिफ्ट अस्पताल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रौर में विधानसभा अध्यक्ष विपन परमार, सांसद किशन कपूर, सांसद इंदु गोस्वामी सहित जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति व CMO डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष विपन परमार ने रिबन काटा। इस अत्याधुनिक मेकशिफ्ट अस्पताल में 256 बिस्तरों की सुविधा मिल सकेगी। हर बेड में पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा भी रहेगी। इस अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत 4 मई को खुद प्रौर पहुंचकर सारी स्थिति की समीक्षा भी की थी और अधिकारियों को इस मेकशिफ्ट अस्पताल में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए थे। अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे, इंटरकॉम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उसका वर्चुअल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, डेडिकेट किया है। और इस मौके पर शिमला से हमारे डॉक्टर राजीव सहजल जी, स्वास्थ्य मंत्री, और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, सांसद, लोकसभा श्री किशन कपूर जी, हमारे आदरणीय राज्यसभा की सांसद कुमारी इंदु गोस्वामी जी की उपस्थिति में, और जो हमारे अलग अलग पंचायतों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए थे, संगठन के लोग आए हुए उपस्थिति में आज इसको लोकार्पित किया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है और पॉजिटिव मामले भी बहुत आए, ठीक होकर के भी गए, परंतु ये जो आज एक ब्लॉक 64 बिस्तरों का डेडिकेट किया गया है, जिसको आगे 250 बेड तक ले करके जाना है, और जैसे अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए कोरोना से संबंधित इस संख्या को 1000 से अधिक भी हम ले जा सकते हैं, इसलिए आज यहां पर इसका डेडिकेट किया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार, स्थानीय प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और डॉक्टर साहिबान जो यहां पर जिनको लगाया गया है वो पूरी सेवाएं अब आज से देंगे, उनका आभार। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस कर्मचारी, उनका आभार। पिछले कल कुमारी इंदु गोस्वामी जी यहां आई थी और उन्होंने LED और वाटर डिस्पेंसर यहां पर भेंट किए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नेताओं का, लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इसमें प्राप्त हो रहा है। तो आगे जितने ब्लॉक्स बनने हैं उन ब्लॉक्स में कॉफ़ी मशीन, LED और वाटर डिस्पेंसर जितने लगने हैं वो मैं अपनी ओर से देना चाहूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना पेशेंट अस्पताल में आता है तो उसके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, यहाँ पर शबद कीर्तन का भी प्रावधान किया गया है, यहाँ पर LEDs लगाई गई हैं, यहाँ पर CCTV कैमराज लगाए गए हैं, वाटर डिस्पेंसर यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर वाईफाई का प्रबंध किया गया है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है, इंटरकॉम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मैं सभी का धन्यवाद, और विशेष करके राधा स्वामी सत्संग ब्यास और प्रोज की इस कमेटी का आभार, बाबा जी का आभार कि इस संकट में, आपदा में आपने जो मनोबल बढ़ाया है और सारी सेवाएं इस महामारी से निपटने के लिए अर्पित कर दी हैं, बाबा जी आपका बहुत बहुत आभार, आपके चरणों में बार बार नमन। हमारे दोनों नेता आज इस कार्यक्रम में इस कोरोना हॉस्पिटल को डेडिकेट करने के समय उपस्थित रहे, आपका भी, हम दोनों सांसदों का, श्री किशन कपूर जी का, कुमारी इंदु गोस्वामी का, हमारे संगठन के कांगड़ा के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभूषण नाग जी का,